खुशी का जो रहस्य है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, वो जानने के लिए भेजता है कि हम अपनी जिंदगी में कैसे जो है वो खुश रह सकते हैं। तो वो दुनिया में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो उसके पास उसे भेजता है, और वो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो जो वाइस मैन होता है, वो बहुत ही दूर रहता होता है। तो उसका जो लड़का है वो अपने घर से निकलता है, तो 40 दिन रेगिस्तान में वो पार करने के बाद 40 दिन बाद वो उस जगह पर पहुंचता है, उसके महल में पहुंचता है जहां पर वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो रहता होता है। तो जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां का जो माहौल होता है वो बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है, उसके महल का जो माहौल होता है वो बहुत ही खुशनुमा होता है जहां पर वो आदमी रहता है, राइट। बड़ी बड़ी जो टेबल्स हैं वो लगी हुई हैं, बहुत तरह के जो खाने हैं वो लगे हुए हैं, सभी जो लोग हैं वो आपस में ग्रुप बनाकर, वहां से बहुत सारे लोग होते हैं तो वो आपस में ग्रुप बनाकर जो है वो बातें कर रहे होते हैं। तब उसको वो जो आदमी है, वो जो शख्स है वो दिखाई देता है, वो जो सबसे बुद्धिमान शख्स होता है वो उसको दिखाई देता है। वो हर एक व्यक्ति के पास जाकर उससे बातें कर रहा होता है, हर एक व्यक्ति के पास जाता है और वो उससे बातें कर रहा होता है, यानी कि जो माहौल होता है वो पूरा इंजॉयमेंट वाला जो माहौल है वो वहां पर बना हुआ होता है। तो लगभग 1 से 2 घंटे के बाद वो जो आदमी है वो उस लड़के के पास पहुंचता है, 1 से 2 घंटे के बाद उस लड़के की जो है वो बारी आती है। तो वो लड़का जिस चीज को लेकर उसके पास में आया हुआ होता है कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, हम खुश कैसे रह सकते हैं, कौन सा जो रहस्य है कि हम अपनी जिंदगी जो है वो खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं, वो जानने के लिए आया होता है। तो वो अपना आने का जो कारण है वो बताता है। तो वो जो वाइस मैन होता है वो कहता है कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है, अभी तो तुम आए हो, अभी जो तुम है वो पूरा जो महल है इसको घूम कर देखो, तो 2 घंटे बाद मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा। अभी जो पूरा महल है तुम इसको देखो, राइट, कैसे कैसे जो चीजें हैं वो तुम इसको पूरा घूमो महल को, 2 घंटे बाद जो है वो दोबारा हम वापस मिलेंगे। लेकिन साथ में वो उसको एक चम्मच दे देता है, एक स्पून, एक चम्मच जो है वो दे देता है, और वो चम्मच में वहां पर जो ऑयल होता है, ऑयल की कुछ जो बूंदे हैं वो डाल देता है, तेल की कुछ जो बूंदे हैं वो डाल देता है, और वो उस लड़के को कहता है कि ध्यान रहे कि चम्मच से जो तेल है वो गिरना नहीं चाहिए। तुमने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तुम पूरे महल में घूमोगे, सभी जो चीजें देखोगे, तो इस चम्मच से जो तेल है वो बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं तुम्हें वो जो राज है वो नहीं बताऊंगा। वो लड़का पूरा कॉन्शियस हो जाता है, वो पूरे अच्छे से वो जो अपनी ड्यूटी है उसको निभानी होती है, वो कहता है कि तेल की जो बूंदे है वो मैं नहीं गिरने दूंगा। तो जब वो लड़का जो है वो पूरा महल जब वो घूम लेता है, राइट, पूरा महल जब वो घूमने के बाद जब वो वापस 2 घंटे बाद वापस आता है, तो वो जो वाइस मैन होता है तो वो कहता है कि अच्छा, उस जो लड़का होता है उसने तेल की एक भी जो बूंद है वो गिरने नहीं दी होती है, उसका जो पूरा ध्यान होता है वो उसके अंदर होता है। वो तो जब वो 2 घंटे बाद मिलते हैं तो वो जो वाइस मैन होता है वो उससे पूछता है कि अच्छा, क्या तुमने महल देखा, अच्छा क्या तुमने वो जो दीवार के ऊपर बड़ी सारी पेंटिंग थी क्या तुमने वो देखी, अच्छा क्या तुमने वो गार्डन देखा, वो माली ने 10 साल में उस गार्डन को इतना खूबसूरत वहां पर बनाया है, तो वो जो सभी चीजें, क्या तुमने वो स्विमिंग पूल देखा, वो जो स्विमिंग पूल है वो इतना शानदार कैसे बना हुआ है, कैसे उसके जो फवारे हैं वो चल रहे हैं, क्या तुमने वो देखा उसको। तो वो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, एक्चुअली आपने मेरे को बोला था कि चम्मच से जो तेल है वो गिरना नहीं चाहिए, तो जो मेरा सारा ध्यान है वो मेरा उसी चम्मच के ऊपर रहा कि मैं एक भी जो बूंद है वो गिरने ना दूं, लेकिन मैंने एक भी जो बूंद है वो गिरने नहीं दी है। तो वो दोबारा से उसको भेजता है, वो कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब की बार तुम पूरा महल जो है वो देख कर आओ, चम्मच और ये जो है वो साथ में लेके जाओ, लेकिन इस बार तुमने महल की एक एक जो चीज है वो तुमने नोटिस करनी है, महल को तुम देख कर आओगे। तो जब वो लड़का जाता है तो वो महल को बड़े ही गौर से देखता है, बड़े ही अच्छे तरीके से देखता है, वो पेंटिंग को निहारता है, वो गार्डन में जाता है, गार्डन में वो देखता है कि माली ने कितनी खूबसूरती से जो पेड़ पौधे हैं, जो फूल होते हैं, कितनी अच्छी तरीके से उनको सजाया हुआ होता है। वो स्विमिंग पूल की तरफ जाता है, वहां पर देखता है कि कितने अच्छे तरीके से जो स्विमिंग पूल है वो मेंटेन किया गया है, चलते हुए जो फवारे हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा
जो दृश्य होता है वो अपने सामने उसको देख रहा होता है, और जब वो देखते देखते जब वो वापस आता है तो वो वापस आकर फिर वही जो वाइस मैन है वो उससे मिलता है, और वो उसको कहता है कि अब बताओ तुम्हें जो महल है वो कैसा लगा। तो वो उसको बड़े डिटेल में उसको बताता है कि वहां पर ये चीजें था, वहां पर पक्षी थे, पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी, पेंटिंग के अंदर ये चीजें थी, वो पूरी डिटेल में उस आदमी को वो बताता है। और फिर वो वाइस मैन पूछता है कि अच्छा अब बताओ कि जो तुम्हारा वो चम्मच है क्या उसमें तेल है। तो वो देखता है कि उसके चम्मच में तेल नहीं होता है। तो फिर वो उसको लाइफ का जो लेसन है वो समझाता है उसको। वो कहता है कि लाइफ में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तुम्हारा जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर होना चाहिए, तुम्हारा जो ध्यान है वो बटना नहीं चाहिए। दूसरी चीज कि तुमने अपने जो दायरे के बाहर वाली जो चीजें भी होती हैं, बाहरी जो दुनिया होती है उनके ऊपर भी जो ध्यान है वो तुमने देना होता है, ताकि तुम वो जो चीजें हैं उनको मिस ना कर दो। अगर तुम सिर्फ अपने घर की तरफ ही ध्यान देते रहोगे, बाहर की तरफ अगर तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा, तो तुम जो बाहर के जो एंटरटेनमेंट है, बाहर का जो दृश्य है, बाहर की जो चीजें हैं, तुम उससे वंचित रह जाओगे। बहुत सारे लोग इसी तरीके से अपनी जो जिंदगी है वो निकाल देते हैं, एक छोटे से कोने में पड़े रहते हैं, या उनकी जो सोच है वो उसको लिमिटेड कर लेते हैं, जो दायरा है वो लिमिटेड कर लेते हैं। दायरे की जो लिमिटेशन है वो होनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाकी जो नेचर है, बाकी की जो चीजें हैं, उनका भी जो ध्यान है वो आपको रखना चाहिए। बाहर की दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए, घर में क्या हो रहा है ये भी आपको नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। यानी कि एक जो प्रॉपर जो बैलेंस है ये बनाकर हमें चलना चाहिए। हमारी टीम के अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए, मैं खुद क्या कर रहा हूं ये भी मेरे को पता होना चाहिए। पता चले कि अपना तो पता नहीं है क्या कर रहे हैं, टीम के अंदर जो कमियां है वो निकाली जा रही हैं, नो माय डियर फ्रेंड। और पता लगे कि टीम जो है वो कुछ नहीं कर रही है, अपने आप को हम लोग कभी कभी जो है वो कोसते रहते हैं कि यार मैंने ये नहीं किया। प्रॉपर एक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना जिंदगी में बहुत जरूरी है, राइट। आशा है दोस्तों कि ये जो कहानी है, स्टोरी है, आपको पसंद आई होगी। डेफिनेटली बहुत कुछ जो है वो हर रोज कहानियों से हमें सीखने के लिए मिलता है, राइट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आप सभी का यहाँ पर कहानी को सुनने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे हमारे आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज का सेशन हमें क्या कुछ जो है वो सिखाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की डिमांड के ऊपर आज के सेशन में हम यहाँ पर लेके आए हैं कीवा काइको इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस प्लान है। जी हाँ दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू कीवा काइको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर रोज की तरह मॉर्निंग के इस शानदार वेबिनार के अंदर। दोस्तों आज का जो हमारा वेबिनार है, डेफिनेटली हम सभी जानते हैं, सबसे पहले हम प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, कीवा काइको इंडस्ट्रीज का प्रोफाइल। किसी को भी समझाना चाहते हैं इतनी दिक्कत क्यों होती है, इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, किसी को भी समझाना चाहते हैं प्रोफाइल है उसको सिंपल तरीके से समझाइए। इतना शानदार प्रोफाइल बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझा सकते हैं, पॉइंट्स बना के समझा दीजिए, कौन मना कर रहा है। आपके पास जो कीवा बिजनेस कैटलॉग है वो होना चाहिए, उसके देखकर पढ़कर जो है उसको समझा दीजिए, कौन मना कर रहा है। अब जैसे कीवा काइको इंडस्ट्रीज प्रोफाइल के बारे में जाने, तो कीवा काइको इंडस्ट्रीज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड नेम है हेल्थ केयर और एफएमसीजी सेक्टर के अंदर इंडिया में। अब इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, कौन सा इसमें ऐसा जो मैथ है, जो अलजेब्रा है वो इसमें आ गया है कि जो हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं। दिक्कत कहां पे है, ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम किसी को बता पा रहे हैं। अदरवाइज सबसे आसान लाइन है मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड नेम इन हेल्थ केयर एंड एफएमसीजी सेक्टर इन इंडिया। अब आज से बताना शुरू कर देना, अगर आज तक नहीं बताया था तो आज से बताना शुरू कर देना। अच्छा, कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कंपनी की शुरुआत 2009 में हुई थी और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी अप्रैल 2010 के अंदर आई थी। कंपनी एक आईएसओ 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है, कौन सी ऐसी ज्योमेट्री है जो इसमें समझ नहीं आ रही है, कौन सा साइन थीटा कॉस थीटा जो है जो इसमें समझ नहीं आ रहा है। सिंपल सी चीज है यार, सिंपल शब्दों में समझाएंगे ना किसी को भी समझ में आ जाएगा। आपका जन्म कब हुआ था, आपको साल याद है, किसी को भी बता सकते हैं। अरे कंपनी का जन्म कब हुआ था यही बताना है, इतना ही डिफरेंस है, सिंपल सी चीज है।
लोगों को आसान भाषा में समझाएंगे, उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट यहां पर क्या बन सकता है कि कीवा काइपो इंडस्ट्री जो है वो भारत सरकार की जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ही वो उनको गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करता है। अब तीन कितने शानदार पॉइंट जो है वो बन गए हैं प्रोफाइल के। अब इनको आसानी से समझा दीजिए, नियत है तो समझा देंगे, नहीं है तो भाई साहब कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, जितना मर्जी दौर लगा लीजिए। अगर हमारे अंदर ये चीज आ चुकी है कि यार करना ही नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड जितना मर्जी आप कर लीजिए कोई भी नहीं समझाने वाला है, कोई इसमें आपकी जो हेल्प है वो नहीं कर सकता है, राइट। तो प्रोफाइल आज के बाद समझाएंगे, पहले तो ये चीज डिसाइड कर लो, आज अभी डिसाइड कर लो कि काम करना है कि नहीं करना है। करना है तो भाई साहब बताना पड़ेगा, करना है तो ये जो चीजें हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी, अपनी टीम को भी ये चीज बोलनी है, आपने खुद भी यही काम करना है, राइट। अब आगे कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि कंपनी, अच्छा कंपनी कहां पर है सर, किसी को भी बताएंगे तो सर कंपनी लुधियाना में पंजाब में है, राइट। इसका जो हेड ऑफिस है कीवा काइपो इंडस्ट्री, बाकी इसके बहुत सारे जो यूनिट्स हैं इसके, जैसे बद्दी में है इनका यूनिट जो है, जो वेयर हाउसेज है वो इनके लुधियाना के अंदर है, और बहुत सारे जो लीडर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने आके इसको सभी को देखा हुआ है। क्या मुश्किल चीज है, आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं, राइट। और फिर उसके बाद हमारे एमडी डॉक्टर करण गोयल जी के बारे में, राइट। तो ये आप एक कहानी की तरह भी उनको समझा सकते हैं। तो डॉक्टर करण गोयल जी ने जब कंपनी की शुरुआत करनी थी उससे पहले उन्होंने 5 साल ग्लोबली जैसे कि यूएसए और यूरोप में उन्होंने व्यतीत किए थे रिसर्च करने के लिए कि जो इंडियन मार्केट है, भारत के जो लोग हैं उनके अनुसार कौन सा मार्केटिंग प्लान, कौन से प्रोडक्ट अच्छे रहेंगे ताकि हर किसी को पैसा भी मिल सके और हर घर तक जो सेहत है, हेल्थ है, दोनों पहुंच सके। हेल्थ और वेल्थ कैसे पहुंच सके उसके अनुसार ही जो मार्केटिंग प्लान है वो बनाया गया है, तभी जो कीवा काइपो इंडस्ट्री की जो शुरुआत है वो दी गई है। अब इसमें ऐसी क्या चीज है यार जो समझ में नहीं आ रही है, जो हम किसी को नहीं बता पा रहे हैं, आसानी से समझा सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम अपने एमडी के बारे में बात करें, डॉक्टर करण गोयल जी के बारे में, तो बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने अचीव किया हुआ है जिंदगी में, जैसे कि हमारी जो एक्स प्रेसिडेंट थी मिसेस प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, तो उनके द्वारा उनको सम्मानित भी किया जा चुका है कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में, राइट। इसके अलावा 50 से ज्यादा पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और जो कॉपीराइट्स हैं वो भी कंपनी के पास हैं, और डॉक्टर करण गोयल जी को फेलिसिटेट किया जा चुका है सीईओ ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए। बहुत सारी ऐसी बिजनेस मैगजीन्स हैं जैसे कि बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, मेडगेट टुडे में उनको वहां पर लीडिंग इंटरनेशनल मैगजीन है ये बेसिकली हेल्थ केयर के अंदर, उनको एक अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उनको वहां पर फ्रंट पेज के ऊपर जगह मिली है। फोर्ब्स सभी जानते हैं, फोर्ब्स में उनको दी आउट परफॉर्मर के तौर पर जो है वो जगह मिली है। बताने में क्या दिक्कत है, बताते क्यों नहीं है, ये चीजें आपके कीवा बिजनेस कैटलॉग में है। अरे पन्ना पलटिए, पेज पलटिए, वो आगे आगे आपको अपने आप दिखता चला जाएगा, वो देखकर ही बताना है, बाद में आपको याद हो जाएगा। 10-15 लोगों को देखकर बताएंगे, 16वें को आप आसानी से बिना देखे भी आप उनको बता सकते हैं, सिर्फ दिखाना है उनको। कंपनी को बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं, जो रिवॉर्ड्स हैं वो यहां पर मिल चुके हैं, उनके बारे में बता दीजिए उनको, राइट। और कंपनी के पास जो प्रोडक्ट हैं, 550 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास में, आप कैटेगरी बताइए सर वो हमारे पास मौजूद है, हेल्थ केयर, हेल्थ जूस, हेल्थ टॉनिक, हेल्थ इक्विपमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर, फूड सप्लीमेंट, एग्रीकल्चर, हर्बल ड्रॉप्स, वेट मैनेजमेंट, एफएमसीजी एंड रेडी टू ईट प्रोडक्ट, वेटनरी प्रोडक्ट, ये सभी जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी के पास में मौजूद हैं, जो सभी चीजें हैं वो कंपनी के पास में मौजूद हैं। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, बताने की। और हमारे ऐसे बहुत सारे लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में जो गाड़ियां हैं उन्होंने अचीव की हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने जो सपने हैं उनको पूरा किया है। तो दोस्तों हमें तो ये चीजों को बेसिकली बताना है लोगों को। और ऐसी बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जो कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब ये क्या है, ये एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया है हमें कंपनी की तरफ से, कि जो लोग जो है वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को भी इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं देखो सर ये जो सेलिब्रिटी है ये हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये करते हैं और दूसरों को बताते भी हैं। तो ये आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बना बनाया सपोर्ट सिस्टम है,
कि सर देखिए ये सभी लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं इसको। अरे बताइए, लोगों को बताइए, जितना ज्यादा बताएंगे उतना आपको पता चलेगा, राइट। अब उसके बाद आ जाता है प्लान, सिंपल सी चीज। प्लान में सबसे पहली चीज सर रिपर्चेज इनकम। सर आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट हैं कीवा काइप इंडस्ट्रीज के, सभी के ऊपर बाय वन गेट वन फ्री है। सभी के सभी जो प्रोडक्ट हैं बाय वन गेट वन फ्री है, और ये जो ऑफर है ये लाइफ टाइम जो है वो चलने वाला है, सभी के लिए फ्री है, राइट। अब बात बारी आती है प्लान समझने की। सर रिपर्चेज इनकम, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक बिजनेस पॉइंट होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। 1 BP = 1 rupees 5 paisa। बाकी हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना जो बीपी है वो चलता है, किसी का कम किसी का जो ज्यादा है वो चलता रहता है, राइट। अब कंपनी जो है वो हमें 3 times जो पे आउट है वो हमें देती है, वीकली मंथली एनुअली, यानी कि हमें 3 बार में जो पे आउट है वो हमें यहां पर मिलता है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कीवा काइपो इंडस्ट्रीज पहली ऐसी एकमात्र इंडस्ट्री है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिजनेस पॉइंट का 105% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, 105% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। रिटेल प्रॉफिट बाय वन गेट वन फ्री है, 100% रिटेल प्रॉफिट हमें यहां पर मिलता है, राइट। अब टीम परफॉर्मेंस बोनस 30% मिलता है हमें बिजनेस पॉइंट का, रॉयल्टी क्लब 12% मिलता है, लीडरशिप क्लब 10% मिलता है, लॉयल्टी क्लब 5%, स्टार क्लब 4%, फॉरेन टूर क्लब 2%, कार क्लब 2%, हाउस क्लब 2%, गोल्ड लीडरशिप क्लब 5%, डायरेक्टर क्लब 18%, प्रेसिडेंट क्लब 8% और चेयरमैन क्लब 7%। यानी कि टोटल 105% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जा रहा है, राइट। अब ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि जैसे ही कोई पर्सन कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में अपनी आईडी लगाता है, ज्वाइन करता है, तो वो कौन से रैंक पे होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के रैंक पर। अब वो जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है सेल्फ आईडी के ऊपर, तो उसको क्या मिलेगा, उसको 5% का जो बोनस है वो उसको मिलेगा, राइट। अब कोई पर्सन अगर अपनी आईडी पे 2000, अब देखिए राइट लेग लेफ्ट लेग पे काम कर रहे हैं, 2000 बीपी राइट पे 2000 बीपी लेफ्ट पे करते हैं, तो आप कौन से लेवल पे पहुंच जाते हैं, एग्जीक्यूटिव पे। आपका एग्जेक्टिव लेवल पे पहुंचना है, जब आप सेल्फ परचेज करेंगे तो आपको कितना मिलना शुरू हो जाएगा, पहले 5% था अब 9%, ये ऐसे करते करते ये बढ़ता चला जाएगा। सीनियर एग्जेक्टिव के लिए 10,000 बीपी का मैचिंग, डिप्टी मैनेजर 20,000 बीपी के मैचिंग पर बन जाते हैं, मैनेजर लेवल 40,000 बीपी के मैचिंग पे, सीनियर मैनेजर 80,000 बीपी के मैचिंग पे, जनरल मैनेजर 1,60,000 बीपी के मैचिंग पे, डिप्टी डायरेक्टर 3,20,000 बीपी के मैचिंग पे और डायरेक्टर 6,40,000 बीपी के मैचिंग पे। यानी कि जब आप डायरेक्टर बन जाएंगे तो डायरेक्टर बनने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, राइट में भी 6,40,000 बीपी, लेफ्ट में भी 6,40,000 बीपी, यानी कि आप 30% की स्लैब पर पहुंच जाएंगे, 30% की स्लैब पर। अब मान लीजिए आपके नीचे कोई जो डायरेक्ट में आपका जो नीचे डाउनलाइन है जो लगा हुआ है वो मान लीजिए कि मैनेजर लेवल पे है, तो वो मैनेजर लेवल पे है तो यानी कि उसको वो कौन सी स्लैब में है, 18% की स्लैब में। आप हो 30% की स्लैब पर, वो 18% पर, आपके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 12%। तो वो जो 12% है वो भी आपको मिलेगा, जो गैप इनकम है वो भी आपको मिलेगी। अब इसमें क्या मुश्किल है जो समझ में नहीं आता, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। अब रॉयल्टी क्लब इनकम, रॉयल्टी क्लब, ये रॉयल्टी क्लब का बड़ा चक्कर है, लोग इसके बारे में जो समझ लेता है वो तो बहुत अच्छे से काम करता है, जो नहीं समझ पाता है वो उलझ के रह जाता है। देखिए सिंपल तरीके से समझिए, 4 चीजें लिखिए अपनी डायरी के ऊपर, 4 चीजें अगर सीरियस हैं समझना चाहते हैं। 2500 बीपी की मैचिंग पर हमें पहला रॉयल्टी क्लब इनकम मिलेगा 12%, राइट। उसके बाद अगला कम मिलेगा, अगला हमें मिलेगा 5000 बीपी की मैचिंग पर, फिर उसके बाद अगला हमें मिलेगा वहां पर 7500 बीपी की मैचिंग पर, उसके बाद अगला हमें मिलेगा 10,000 बीपी की मैचिंग पर। यानी कि हर 2500 के गैप पर आपको जो रॉयल्टी क्लब इनकम है वो मिलेगी। रॉयल्टी क्लब इनकम 2500 बीपी से लेके 10,000 बीपी की मैचिंग तक आपको मिलेगी। पहला चीज क्लियर हो गया, 4 बार ये जो रॉयल्टी क्लब इनकम है, यानी कि हम अगर 2500 बीपी से ऊपर जाते हैं तो 5000 बीपी के मैचिंग पे भी हमें मिल सकती है। उसके बाद आता है लीडरशिप क्लब इनकम, लीडरशिप क्लब। अब दोस्तों लीडरशिप क्लब 10,000 बीपी के ऊपर 2,00,000 बीपी की मैचिंग तक हर 2500 बीपी के गैप पर
आपको लीडरशिप इनकम जो है वो आपको मिलेगी 10%। जैसे कि पहले जो इनकम है 12,500 बीपी की मैचिंग पे, फिर 15,000 बीपी की मैचिंग पर, फिर 17,500, फिर 20,000, फिर 22,500, फिर 25,000, ऐसे करते करते 2,00,000 बीपी की मैचिंग तक आपको लीडरशिप क्लब इनकम मिलेगा। उसके बाद अगर आप 2,00,000 बीपी से ऊपर चले जाते हैं तो उसके बाद आपको गोल्ड लीडरशिप क्लब इनकम मिलेगा। मान लीजिए आपका जो बीपी है वो 2,00,000 से ऊपर चला गया है तो 2,00,000 बीपी का तो आपको लीडरशिप क्लब इनकम मिलेगा ही मिलेगा 10%। 2,00,000 के ऊपर आपका जितना भी बीपी रहेगा वो हर 10%, हर 10,000 बीपी के गैप पर आपको 5% बीपी मिलेगा। मान लीजिए कि आपने 2,60,000 बीपी कर दिया है तो 2,00,000 पहले 2,00,000 का तो आपको लीडरशिप क्लब मिलेगा। अब बाकी का बचा जो 60,000 बीपी मैचिंग, उसका 60,000 का आपको गोल्ड लीडरशिप क्लब इनकम मिलेगा। ये हर 10,000 बीपी की मैचिंग तक जाएगा। जैसे कि 2,10,000 पे पहला इनकम आएगा आपको गोल्ड लीडरशिप क्लब का, फिर 2,20,000 की मैचिंग पर, फिर 2,30,000, 40,000, 50,000। अगर 2,65,000 करते हैं तो आपको 2,60,000 पे ही इनकम मिलेगा। 2,72,000 का बीपी मैचिंग करते हैं तो 2,70,000 पे ही आपको जो इनकम है वो मिलेगा आपको, राइट। इसके बाद लॉयल्टी क्लब आपको 25,000 बीपी की मैचिंग पर 5%, स्टार क्लब 50,000 बीपी की मैचिंग पर 4%, फॉरेन टूर क्लब 1,00,000 बीपी की मैचिंग पर 2%, कार क्लब 1,50,000 बीपी की मैचिंग पर 2%, हाउस क्लब 2,00,000 बीपी की मैचिंग पर 2%, टोटल 42%, राइट। अब दोस्तों अब आती है डायरेक्टर क्लब की इनकम। जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए, जब आप डायरेक्टर बन जाएंगे तो डायरेक्टर बनने के बाद आप अगर 1,00,000 बीपी का मैचिंग करते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, आप ओपाल डायरेक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे, 10% आपको मिलेगा। 2,00,000 बीपी की मैचिंग करने पर पर्ल प्रेसिडेंट का इनकम है 8%, वो आपको मिलेगा। 3,00,000 बीपी की मैचिंग पर टोपाज डायरेक्टर का इनकम 3%, 6,00,000 बीपी की मैचिंग पर रूबी डायरेक्टर का इनकम 2%, 12,00,000 बीपी की मैचिंग पर एमेराल्ड डायरेक्टर का इनकम 1%, 20,00,000 बीपी की मैचिंग पर सफायर डायरेक्टर का इनकम 1%, और 30,00,000 बीपी की मैचिंग पर डायमंड क्लब का मैचिंग जो है वो आपको 1% जो इनकम मिलेगा, यानी कि 26% आपको यहां पर जो इनकम है वो आपको मिलता है, राइट। और दोस्तों फिर उसके बाद आ जाता है एनुअल इनकम, यानी कि जो हम सालाना इनकम जो है जो हम उठा सकते हैं सालाना, राइट। और ये एनुअल इनकम कौन सी होती है, चेयरमैन क्लब बोनस। जी हाँ दोस्तों, ये जो पे आउट है ये एनुअली पे आउट आता है, चेयरमैन क्लब बोनस। बहुत यानी कि ये सपना होता है लोगों का यहां तक पहुंचने का, राइट। अगर आप 30,00,000 बीपी का मैचिंग कर लेते हैं एक साल के अंदर अंदर, अब ये अप्रैल से लेकर मार्च तक का आपको करना होता है, यानी कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में अगर आप 30,00,000 बीपी का मैचिंग कर लेते हैं तो आप डिप्टी चेयरमैन क्लब का जो इनकम है वो आप उठा सकते हैं 2%। जी हाँ दोस्तों, 2%। अगर आप 60,00,000 बीपी का मैचिंग कर लेते हैं तो ब्रॉन्ज चेयरमैन क्लब 2% का जो इनकम है वो आप उठा सकते हैं। 1,00,000 की बीपी की मैचिंग पर चेयरमैन सिल्वर क्लब की जो है इनकम, यानी कि 2%, वो आप उठा सकते हैं। 5,00,000 बीपी की मैचिंग पर चेयरमैन गोल्ड क्लब का जो इनकम है 0.5%, वो आप उठा सकते हैं। और 12,00,000 बीपी की मैचिंग पर चेयरमैन डायमंड क्लब का जो इनकम है 0.5%, वो भी आप उठा सकते हैं। यानी कि टोटल 7% चेयरमैन क्लब जो इनकम है वो आप यहां पर आसानी से उठा सकते हैं। दोस्तों ये सारा आपका प्लान है, ये कीवा बिजनेस प्लान है। इसमें प्रोफाइल, प्रोडक्ट और जो प्लान है वो इसमें शामिल है। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो हमें समझ में नहीं आती है, सभी चीजें बिल्कुल सिंपल हैं, आसानी से हम ये किसी को भी बता सकते हैं, सिंपल सी चीज है। प्लान जो है आपका, जब भी आप किसी को प्लान बताते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो खत्म होना चाहिए, और उसके बाद जो डाउट्स हैं वो उनके जो क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाइए ताकि कोई भी इसको आसानी से समझ सके। ये है नए लोगों के लिए, जब आप किसी नए लोगों को बताते हैं। अब आपको अगर कोई नेटवर्कर मिलता है तो आप उसको नेटवर्कर के तौर पर जो है वो आप उनको समझा सकते हैं कि सर ये जो इनकम है वो इस तरीके से आती है, उनको भी इसी तरीके से बताना है, बस थोड़ा सा इसको एलेबोरेट और करके, राइट। आशा है दोस्तों कि ये जो सेशन है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा और समझ में भी आया होगा, राइट।
और दोस्तों अब मेरे को बताइए कि अगला जो सेशन है, अगला जो टॉपिक है, वो आप कौन सा चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर जो है वो आप बात करना चाहते हैं? तो आप कोशिश करेंगे कि अगला जो टॉपिक है हम उसी के ऊपर लेकर आए, राइट? चैट बॉक्स में लिख के बताइए अगला जो टॉपिक है वो आप कौन सा चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप कौन सा चाहते हैं कि अगला जो सेशन है वो किस टॉपिक के ऊपर किया जाए, चैट बॉक्स में प्लीज लिखकर बताइए, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, राइट 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 ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ओके राइट 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 ओके, तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो हमें यहाँ पर आए हैं, डेफिनेटली इनमें से ही हम कोई ना कोई जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पर चूज करेंगे और उसी के ऊपर जो सेशन है वो हम लेकर भी आएंगे। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों कल सुबह 8 बजे फिर से आपके साथ में जबरदस्त मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।